नमस्कार दोस्तों, मैं शिल्पी आप सबका आज के इस लेक्चर में स्वागत करती हूँ। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और अभी तक जितने भी लेक्चर्स मैंने लिए हैं आपने अच्छे से उनके नोट्स बनाए होंगे और चीज़ों को याद करना शुरू कर दिया होगा। अगर कोई चीज़ आपको समझ नहीं आ रही है तो आप बेझिझक मुझसे मेरे टेलीग्राम चैनल पर पूछ सकते हैं, जिसको अभी मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, कुछ बच्चों की क्वेरी होती है कि मैम टेलीग्राम चैनल नहीं, हमें अभी तक नहीं मिला है और हमें पीडीएफ नहीं मिले हैं। तो आप जब चैनल में जाएंगे और फाइल्स पे जाएंगे तो आपको हर पीडीएफ मेरे लेक्चर की मिल जाएगी। तो टेंशन नहीं लेना है, आराम से पढ़ते रहिए। जो बच्चे 2023 में एग्जाम दे रहे हैं वो फटाफट से रिवाइज करने पे फोकस अभी करिए और इन चीज़ों को भी नज़र डालिए ताकि कहीं से कोई प्रश्न आता है तो आपसे चूके नहीं, स्पेशली आर्ट एंड कल्चर का। ठीक है, एक इन्फॉर्मेशन और देनी थी। जल्द ही इसी हफ्ते में मैं आपको एक लक्ष्य का एक वीडियो लेकर आ रही हूँ जिसमें आर्ट एंड कल्चर का कुछ पोर्शन मैं करंट अफेयर्स बेस्ड कंप्लीट करूंगी। तो ऐसे 4-5 वीडियोस, 6 वीडियोस आएंगे, उसको देखना बिल्कुल ना भूलें क्योंकि आपके आगामी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और जो बच्चे नहीं भी दे रहे हैं 2023 में पेपर, उनको भी देख के पता चलेगा अच्छा प्रश्न पूछा कैसे जाता है या फिर कैसे हमें आर्ट एंड कल्चर की अगर हम पोर्शन की बात करें तो उसमें कैसे हमें करंट के बेस्ड पे टॉपिक पर फोकस करना है। ठीक है, क्लियर है। आई होप आपने लास्ट वाला फ्राइडे का जो लेक्चर था उसे अच्छे से देखा होगा, मंडे वाला लेक्चर देखा होगा गुफा स्थापत्य वाला। तो हमने क्या क्या कवर किया है जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए, पता तो चले कौन कितना पढ़ रहा है, कौन कितने पानी में है। आइए आज बात करते हैं बच्चों हम यहाँ पर मंदिर स्थापत्य की। ठीक है, तो आज हम मंदिर स्थापत्य, अब हम एकदम अलग तरीके से चीजों को पढ़ने वाले। अभी तक हमने हड़प्पा स्थापत्य कला को पढ़ा, चैत्य विहार पढ़ा, हमने गुफा स्थापत्य पढ़ा, हमने इसके बाद हमने और भी कई चीजें पढ़ी हैं जिसमें शास्त्रीय नृत्य के पूरे पोर्शन को कवर किया है एक अलग तरीके से। आज हम यहाँ पर मंदिर की बात करेंगे, यानी कि मंदिर स्थापत्य, मंदिर आर्किटेक्चर को देखेंगे कि कैसे कैसे समय काल में क्या क्या परिवर्तन आए, किस प्रकार से पूजा होती थी प्राचीन काल में, मध्य काल में, फिर आधुनिक समय में। वो सारी चीजों को हम धीरे धीरे आगे चलते हुए और अन्य लेक्चर्स में कवर कर लेंगे। जबकि एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वो पीटी हो या फिर वो मेंस हो, उन सबको हम यहाँ कवर करेंगे। और एक और चीज, बार बार बच्चे पूछते हैं कि मैम मेंस का आंसर राइटिंग नहीं करा रही हैं हम। बच्चों सबको ध्यान में रखकर चलना पड़ता है ना, तो मैंने बोला था जब सारे लेक्चर्स आप बच्चे कर लेंगे इसके बाद हम जो लास्ट के 2-3 लेक्चर्स, 4 लेक्चर्स होंगे उसमें मेंस के प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं उनको अच्छे से हम डिस्कस करेंगे। लेकिन आपको थोड़ा धैर्य बनाए रखना होगा ना, जब तक आप पूरे टॉपिक को समझ नहीं लेंगे तो आंसर राइटिंग में वो डायमेंशंस नहीं दिखेंगे ना, तो इसलिए उसको हम बाद में कवर करेंगे। क्लियर है, आइए समझते हैं। चलिए देखिए, आपको जैसा कि पता है बैच 4 स्टार्ट हो रहा है वो भी 22 अप्रैल से 2023 से। तो अगर आपने अभी तक एडमिशन नहीं लिया है तो इस बैच में एडमिशन ले लीजिए। जो बच्चे 2024 की तैयारी कर रहे हैं या फिर आगे के लिए तैयारी कर रहे हैं, उसमें आपको सारे पीडीएफ, सारे टीचर से रूबरू होने का मौका मिलेगा, क्वेश्चन आंसर राइटिंग, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, सब कुछ इसमें समराइज करके आपको दिया जाएगा। अभी तक एडमिशन नहीं लिया है तो ले लीजिए। अगर आप मेरा कोड SVLIVE, अगर ये कोड इस्तेमाल करते हैं तो ये फीस आपको मात्र 18,999 रुपए में मिल जाएगी। ठीक है, और इसका प्रतिदिन आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी शाम को 6 बजे, ये सबको पता होगा अभी। ठीक है, चलिए ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसमें क्या क्या चीजें हैं। आइए चलिए देखिए, इसके बाद हम फॉलो कर सकते हैं आप मुझे, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपको जो पीडीएफ है वो मेरे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध हो जाएगी, शिल्पी वर्मा 22। इस बार मैंने सही बोला है, 2022 नहीं बोला है, तो 22 पे आपको उपलब्ध हो जाएगी शिल्पी वर्मा 22। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है और इस पर भी मैंने एक ग्रुप डिस्कशन के लिए एक लिंक लगाया हुआ है, तो वहां जाके आप आपस में डिस्कस कर सकते हैं। मुझसे यदि कुछ पूछना चाहते हैं पढ़ाई से संबंधित तो पूछ सकते हैं। ये मेरा फेसबुक चैनल है और इसके बाद ये इंस्टाग्राम है, तो आप यहाँ फॉलो कर सकते हैं, मुझसे कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं बेझिझक। ठीक है, लेकिन पढ़ाई से संबंधित चीजें हो तो बेहतर होगा। आइए इसके बाद बढ़ते हैं, मेन आते हैं अपने टॉपिक पर। तो देखते हैं, जैसे हमने सांची का स्तूप पढ़ा, स्तूप भी पढ़े थे हमने, तो देखते हैं स्तूप, चैत्य और विहार से ये किस प्रकार से भिन्न है, कैसे कैसे विकास क्रम इसका चलता रहा है, कैसे चरणों में इनका विकास हुआ है, क्या इनके स्ट्रक्चर में परिवर्तन आया है, क्या इसकी भव्यता कहती है, क्या इसके पीछे के शासकों का मंथन था, क्या विचार था, आइए उन सब गुत्थी को सुलझाते हैं। देखिए, मंदिर स्थापत्य कला, एक्चुअल में अगर हम इसे मेन्स आंसर राइटिंग में लिखना चाहें तो कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, जैसे कि मंदिरों का जो अस्तित्व है वो कब से हमें नहीं पता। ठीक है, ये बहुत ही विवादास्पद प्रश्न है कि मंदिरों का अस्तित्व कब से आया। देखा जाए हड़प्पा में तो वहां पर ऐसे मंदिर के कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं, लेकिन प्राकृतिक देवी देवताओं को जो है पूजा जाता था,
तो लेकिन कुछ साक्ष्यों से पता चलता है कि पाषाण काल से जो लोग हैं वो प्रकृति पूजा में विश्वास रखते थे, प्रकृति पूजा में प्रकृति की पूजा करते थे। आप देखेंगे इसके कई कई सैंपल्स ऐसे भी मिल जाते हैं, जैसे पीपल की पूजा हो जाती है या फिर बैल इसकी, जैसे शिव से संबंधित बैल या जो भी है उसकी पूजा जो है कर देते थे। तो इस तरह की चीजें वो साक्ष्य देखने को मिले। लेकिन अगर हम कहीं कहें बच्चों की मंदिर का स्ट्रक्चर देखने को मिला है तो कहीं पर नहीं मिला है। मेंस और पीटी के लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, ठीक है। आगे चलकर मौर्य काल में हमने देखा सांची के स्तूप नहीं, स्तूप जितने भी थे, चैत्य थे, विहार थे, मौर्य काल में काफी कुछ जो है ये स्ट्रक्चर्स देखने को आपको वहां पर आर्किटेक्चर देखने को मिलता है, चैत्य स्तूप विहार इत्यादि का। यहाँ पर मौर्य काल में कुछ छोटे छोटे देवालयों का विकास हुआ। भाई जब उन चट्टानों को काटकर जो है शैलाश्रयों को निर्मित करना शुरू कर दिया गया, गुफाओं को निर्मित करना शुरू कर दिया गया, तो वहां पर ऐसे छोटे छोटे देवालयों का विकास होना शुरू हो गया। लेकिन जैसे ही आप गुप्त और गुप्तोत्तर काल में आएंगे वहां पर काफी बड़े स्तर पर जाके आपको मंदिर दिखने लगेंगे, मंदिरों का भव्य निर्माण होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो पहले समय में मौर्य काल में या पहले समय में आप देखेंगे जो भी थोड़े बहुत मंदिर बने उनका आकार थोड़ा छोटा होता था, क्योंकि उस वक्त उतनी मान्यता भव्यता उनकी नहीं देखने को मिली है। हम आगे विकास क्रम के चरणों में इसको समझेंगे, ठीक है। गर्भगृह तक पहुंचने के लिए सीढ़ियां नहीं होती थी, घबराइए नहीं, ये भारी भरकम शब्द, अभी अच्छे से इंजॉय करते हुए इसको समझेंगे क्या है गर्भगृह, क्या है प्रदक्षिणा पथ। ये वैसे ही है जैसे कि हमने सांची के स्तूप में समझा था, जैसे कि हमने भरत स्तूप में समझा था, वही सारे शब्दों का खेल यहाँ पर भी है। बस आप समझ लीजिए कि आप मंदिर में खड़े और उनको रूबरू होते जाइए, ठीक है। आइए चलिए, सीढ़ियां नहीं होती थी और छोटे सपाट होते थे, प्रदक्षिणा पथ नहीं होता था उस दौरान जब मौर्य काल की बात की जा रही है। लेकिन निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि 10वीं शताब्दी में आते आते भू प्रशासन में मंदिर की महत्वता ज्यादा बढ़ने लगी। तो ऐसा क्या हुआ, शासक एकदम से इतने ज्यादा रिच हो गए या फिर संपन्न हो गए कि धीरे धीरे मंदिरों का विकास होता गया? तो देखिए हर चीज का एक मिली जुली चीजें होती हैं। जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, भाई रहने के लिए अब स्थान हो गया, अब इंसान पूजा करने के लिए पूजा गृह जाने लगे, ठीक है, उसका निर्माण करना शुरू हुआ। जैसे जैसे जरूरतें महसूस होती गई उनका निर्माण करना शुरू कर दिया। तो जैसे यहाँ पर आगे मंदिरों का निर्माण आपको दिखेगा। आगे की अगर हम बात करें तो लेकिन मंदिर शब्द का जो सबसे पहले प्रयोग है, बच्चे पूछा गया है किसी पीसीएस एग्जाम में आई थिंक, तो उसमें मंदिर शब्द का सबसे पहले प्रयोग आपको शतपथ ब्राह्मण में देखने को मिलता है। तो नोट कर लीजिए, इसको रट लेना है, ठीक है। शतपथ ब्राह्मण में मंदिर शब्द का पहला प्रयोग मिलता है। माना जाता है कि मौर्य और मौर्योत्तर काल में, ठीक है, शैलकृत गुफा मंदिर का प्रचलन शुरू हुआ। तो जब मौर्य और मौर्य काल की जब मैं बात कर रही हूँ उस दौरान क्या होता था, चट्टानों को काट कर जो है मंदिरों का निर्माण किया जाता था, उसके उदाहरण भी अभी हम देखेंगे। लेकिन जैसे जैसे आप देखेंगे कि गुप्त काल के समय में आ जाएंगे ना, आपको धीरे धीरे संरचनात्मक मंदिर वैसे ही, मैंने क्या बताया था ना कि शैलकृत गुफाएं मतलब चट्टानों को काट कर जो चैत्य विहार बनाए जाते थे, और संरचनात्मक मतलब ईंट और पत्थरों को जोड़कर खुले में जो मंदिरों का निर्माण कराया जाता था, सेम वही चीज यहाँ भी है, ठीक है। तो कह रहे हैं इसके बाद गुप्त काल के आते आगमन के साथ ही क्या हुआ, मुक्त रूप से खड़े पहले हिंदू मंदिर का निर्माण किया गया, बाद के वर्षों में सपाट छत एकाश्म प्रस्तर से निर्मित मंदिरों से लेकर शिखरों से युक्त मंदिरों का विकास हुआ। ये एकाश्त जो आप पढ़ रहे हैं, एकाश्म प्रस्तर हो गया, शिखर हो गया, ठीक है, फिर इसके बाद और ये सपाट छत हो गया। आइए अब इनको जरा समझते हैं कि ये क्या कहने का मतलब है कि पहले सपाट छत के होते थे फिर शिखर होने लगे, तो ये क्या है, ये मतलब क्या है, इसको समझते हैं। आइए चलिए इस तरह से इंटरेस्ट के साथ पढ़ेंगे ना तो चीजें समझ आएंगी। जैसे एक बच्चे ने मुझे लिखा था आई थिंक ग्रुप डिस्कशन में कि मैम मुझे याद नहीं हो रही है चीजें, मैं भूल रहा हूँ। तो याद करने की कोशिश ही मत करिए, बस बुक खोलिए या मेरे लेक्चर्स को सुनिए, पिक्चर्स के साथ पढ़िए, सर्च करिए कौन सा मंदिर कहाँ पर है, अच्छा मैम ने ऐसे बताया था मैं और बेहतर करूंगा, इसको ऐसे सर्च करने की कोशिश करिए, और लेक्चर्स को सुनिए बार बार, स्पीड बढ़ा कर सुनिए और सुनिए कि यहाँ पर क्या चीज बोली जा रही है, तो याद हो जाएगा। इंटरेस्ट के साथ समझने की कोशिश करिए, याद करने की कोशिश मत करिए, सिर्फ समझिए बस, और ज्यादा कुछ नहीं करना है। आइए अब मंदिर के विकास चरण। अब जैसे जैसे विकास हुआ चरणों में, अलग अलग चरणों में देखा स्टेप बाय स्टेप, पहले ऐसे मंदिर थे, अच्छा सेकंड स्टेज में कैसे मंदिर थे, सेकंड स्टेज इन द सेंस कि आगे जब प्रक्रिया बढ़ रही है तो समय के साथ परिवर्तन तो होगा ना, निश्चित है। उनकी अलग समय की टेक्नोलॉजी होगी, उनकी अलग समय की सोच होगी, उनकी अलग समय की जरूरतें होंगी, तो बस वो सब चीजें आपको विकास चरणों में इस प्रकार से देखने को मिलेंगी बच्चों, ठीक है। पहले प्रथम चरण में क्या होता था, पहले स्टार्टिंग में देखेंगे कि सपाट छत वाले मंदिर मिलते थे। सपाट छत मतलब एकदम प्लेन छत होती थी, देखिए इसमें कोई शिखर ऐसे शंकुआकार शिखर या कोई डिजाइन एंड ऑल नहीं था, उस समय में बस इतनी जरूरत थी, तो इस तरह से
आडंबर के तौर पर इसको बनाया जाने लगा। ठीक है, आकार जो था वो वर्गाकार आपका होता था, ठीक है, उतले स्तंभ पर निर्मित होता था। कुछ ऐसा खास इनका स्तंभ नहीं बना होता था कि बहुत ही अट्रैक्टिव हो या बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से हो। तो प्रथम चरण में क्या होता था, इस तरह से मंदिर बने थे ऊंचाई के मंचों पर विकसित, थोड़ा सा ऊंचाई के मंच पर विकसित किया जाता ताकि उनकी पवित्रता को बनाए रखा जा सके। ठीक है, उदाहरण के तौर पर क्या क्या, जैसे सांची में निर्मित मंदिर संख्या 17, तो इस तरह के तब मंदिर ये बना हुआ करते थे। जैसे हमने पहले अपने मुगल काल में जैसे स्तूप देखे हैं, चैत्य देखे हैं विहार, तो उस समय काल के ही ये जो है मंदिर का निर्माण हुआ था, तो उतना ज्यादा विकास आपने नहीं देखने को मिलेगा इसमें। ठीक है, फिर द्वितीय चरण की बात करें तो पिछले चरण के तुलनात्मक रूप से ऊंचे मंच पर तो निर्मित काफी होते थे। देखिए मैं साइड उतार रही हूँ, काफी ऊंचे मंच पर इनका निर्माण किया जाता था। दूसरे चरण, ये देखिए सेकेंड स्टेज है आपका, ये फर्स्ट स्टेज है। ठीक है, तो सेकेंड स्टेज में क्या होता था, पहले की कंपैरिजन में जो इनके स्टेजेस होते थे ना, वो काफी ऊंचे होने लगे थे। ठीक है, और गर्भगृह के ऊंचे मंच पर निर्मित किया था, और गर्भगृह के चारों प्रदक्षिणा पथ भी होता था। तो जो इनका ये गर्भगृह होता था उसके चारों यहाँ पर प्रदक्षिणा पथ होता था। बच्चों बताइए, प्रदक्षिणा पथ, मैंने आपको सांची के स्तूप, जितने भी स्तूप पढ़ाया था ना, मतलब मंदिर के चारों ओर जब हम यहाँ पर परिक्रमा करते हैं तो वो आपका प्रदक्षिणा पथ हो जाता है। जो नहीं, राउंड राउंड आप देखेंगे कि इस तरह से जाते हुए प्रदक्षिणा पथ जो है यहाँ पर चक्कर लगाते हैं, सेफ इस तरह से घूम के जल को अर्पण करते हैं, वैसे ही तो वो चीजें यहाँ कही गई हैं। और दो मंजिला के प्रमाण भी मिले यहाँ पर, कई कई मंदिर ऐसे भी मिले हैं जो टू स्टोरीज भी होते थे। ठीक है, इसके बाद उदाहरण के तौर पर आप सेकंड स्टेज के जो मंदिर होते थे, उदाहरण के तौर पर कौन कौन से हैं, जैसे नचना कुठार स्थित पार्वती मंदिर, यूपीएससी ने कई बार इसको पूछा है, याद रखिएगा। और ये कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है, चाहे तो इसका नेट पे जाके, वैसे तो जहाँ तक यही है पिक्चर्स, लेकिन आप देखेंगे नचना कुठार स्थित पार्वती मंदिर जो बनाया गया था एमपी में, तो इस तरह से आपको वहां पर प्रमाण देखने को मिलते हैं। ठीक है, थर्ड स्टेज की बात करें, तृतीय चरण की ओर चलते हैं। ये देखिए, ये जो मंदिर के विकास चरण में आपको बता रही हूँ ना, इसको सिर्फ समझना है, रटना नहीं है इसको। ठीक है, इसको समझिए कि कैसे कैसे समय के साथ परिवर्तन आया, उनके विकास को, उनके डेवलपमेंट में, उनके बनावट में कैसे परिवर्तन आया, तभी तो आप समझ पाएंगे कि अचानक से थोड़ी ना मंदिर का, किसी भी चीज का अचानक से जन्म नहीं होता, उसकी एक प्रक्रिया होती है ना। तो यहाँ पर क्या है, तृतीय चरण, तो सपाट छतों के स्थान पर अब शिखर युक्त मंदिरों का निर्माण होने लगा। अब पहले क्या था, प्लेन था, सपाट था। ठीक है, पहले प्लेन होता था, जैसे ही थर्ड स्टेज आना शुरू हुआ यहाँ पर क्या हुआ, शिखर युक्त। ठीक है, इस तरह से पिरामिड की आकार में आप देखेंगे, थोड़ा सा ना केवल इतना ज्यादा, पिरामिड के आकार में आपको यहाँ पर मंदिर की छत दिखने को मिल जाती है। ठीक है, कम ऊंचाई, ठीक है, ये कम ऊंचाई के साथ देखेंगे आकार में लगभग वर्गाकार होता है, तो आकार में लगभग वर्गाकार आपको देखने को मिल रहा है। और मंदिर की पंचायतन शैली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मेंस के लिहाज से, पीटी के लिहाज से ये शब्द, ये टर्म बहुत क्लियर होना चाहिए, क्योंकि पीटी में प्रश्न पूछा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, दशावतार मंदिर देवगढ़ उत्तर प्रदेश में, ऐहोल का दुर्गा मंदिर कर्नाटक में, ये उदाहरण है। अब मुद्दा आता है पंचायतन शैली को समझते हैं, तो चलिए पहले पंचायतन शैली को समझते हैं। यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है क्योंकि मैम बताने वाली है। आइए देखिए, पंचायतन शैली जैसे हम कह सकते हैं कि कई लोग इस तरह से याद रख सकते हैं, जैसे कई लोग पंचायत बैठी हुई है, उसमें कोई एक मुखिया है, तो सारे पंचायत के जो सुनने वाले श्रोता गणाएं हैं वो सब वहां बैठे हुए हैं, और जो पंचायत का मुखिया है वो एकदम अलग बैठा हुआ है। तो कुछ इस तरह से, देखिए आप अपने ट्रिक बनाएंगे, अच्छे बना सकेंगे मुझसे, मैं इतने अच्छे ट्रिक नहीं बना पाती हूँ। देखिए यहाँ पर आप देखेंगे, ये जैसे मंदिर का प्रांगण है बच्चों, ठीक है, अब ये मंदिर का प्रांगण है, कह रहे हैं पंचायतन शैली। तो पंचायतन शैली में क्या होता है, मंदिर के चारों कोनों पे, जितने भी उसके कोने हैं वहां पर आपको देखेंगे गौड़ देवता, बताती हूँ, बीच में आपको मुख्य देवता, ये आपके पंचायतन शैली का क्या है, पंचायतन ये शैली का इस तरह से जो है मंदिर बनाए जाते हैं, पंचायतन शैली के आधार पर इस तरह मंदिर बनाए जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है कि बीच में मुख्य देवता, मतलब जिन मंदिर, जैसे नहीं कहते विष्णु जी के मंदिर जा रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, या शिव के मंदिर जा रहे हैं, शिव जी के, तो बीच में उनकी मूर्ति होगी और आसपास जितने भी देवता होंगे वो गॉड होंगे, मतलब अलग अलग देवता होंगे, लेकिन जिनके लिए मंदिर बनाया गया उनकी मूर्ति मध्य में होगी, बीच में होगी। तो आपका ये क्या हुआ, पंचायतन शैली के आधार पर ऐसे आपके साउथ में जब आप जाएंगे, जब आप द्रविड़ शैली की बात करेंगे, तब वहां ऐसे प्रमाण आपको बहुत देखने को मिलेंगे। स्पष्ट हो गया है, कोई चीज डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। वापस आते हैं अपने टॉपिक पे, तो यहाँ पर आप देखिए चतुर्थ चरण हो गया, तो तृतीय चरण में क्या हुआ, पंचायतन शैली के भी मंदिर के साक्ष्य आपको देखने को मिलते हैं। मुख्य मंदिर अधिक आयताकार हो गया, अब जो मुख्य मंदिर था वो ज्यादातर आयताकार हो गया। ठीक है,
कह रहे आयताकार हो गया, बाकी सब पिछले चरण जैसा ही रहा, उसमें कुछ खास चेंजेस नहीं थे। जैसे शोलापुर स्थित आप देखेंगे त्रिविक्रम मंदिर, जिसे टेर मंदिर भी कहा जाता है, ठीक है, टेर मंदिर भी कहा जाता है। तो इस तरह के पिक्चर्स आपको चतुर्थ चरण में देखने को मिलते हैं। अब नेक्स्ट मूव करते हैं, पंचम चरण पांच चरण में विभाजित है, ठीक है। पंचम चरण पंचायत शैली समझ आ गया आपको। तो ये जो है यहाँ पर देखिए, अब इसमें क्या होता था, एक अलग तरीके की चीजें होती थी, जैसे कि इसमें बाहर की ओर उथले आयताकार किनारों वाले वृत्ताकार मंदिरों का निर्माण होना शुरू हो गया। देखिए वृत्ताकार आयताकार मंदिरों का निर्माण इसमें होना शुरू हो गया। इसके आगे ना कुछ इस तरह से मतलब बना दिया जाता था बेड़ी, या जो बोल सकते हैं उसको। पिछले चरण जैसी विशेषता इसमें भी रही, उदाहरण के तौर पर मनीनाग मठ और राजगीर। तो इस तरह की चीजें यहाँ पर एक तरह से ये किनारों पर ये अलग तरीके ती और इस तरह को डाल के इसको बनाया जाता था। तो यहाँ पर ये सिर्फ समझना था आपको, ताकि अगर कभी मेंस आंसर राइटिंग जैसे आप लिखेंगे तो उसमें थोड़ा सा इसका हिंट देते हुए करेंगे तो आपका आंसर राइटिंग बेहतर दिखेगा। अगर मंदिर स्थापत्य, क्योंकि मेंस में प्रश्न पूछा गया है, तो मंदिर स्थापत्य के बारे में वर्णन कीजिए, तो वर्णन कीजिए, आपको ये चीजें डालनी पड़ेंगी वहां पर, ठीक है। अब आते हैं, जैसे हमने स्तूप में समझा था, चैत्य में स्तूप में स्पेशली हमने समझा था प्रदक्षिणा पद क्या होता है, या फिर हम कह सकते हैं कि अंड क्या होता है, छत्र क्या होता है, यत्री क्या होता है। तो उन स्ट्रक्चर के अलग अलग पार्ट्स के अलग अलग मायने को हमने समझा था, याद है, अच्छी बात है। तो अब यहाँ पर मंदिर स्थापत्य के अंग समझेंगे भाई, जैसे ये हाथ है, ये उल्टा हाथ है, ये सीधा हाथ है, ये पैर है, ये मुंह है, ये लिप्स है, तो इनके अलग अलग कार्य हैं, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पर मंदिर के अंगों को अब हम एक्सप्लेन करेंगे और हम समझेंगे, ठीक है। तो मंदिर स्थापत्य के अंग, सबसे पवित्र स्थान अगर मंदिर का, जैसे हम स्तूप में देखेंगे सबसे पवित्र स्थान क्या, वो हर्मिका होता था। आप लोग भूल रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, घबराना नहीं है। देखिए अंड के ऊपर जो हर्मिका होता था ना, ये स्तूप का सबसे पवित्र स्थान होता था, ठीक है। इसके साथ देखिए कंपैरिजन के साथ पढ़ेंगे तो समझ आएगा। वैसे ही आप देखेंगे कि मंदिर में अगर बात करें तो सबसे पवित्र स्थान गर्भगृह क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर मेन देवता स्थापित होते हैं। जैसे शिव जी के मंदिर, अगर हम उदाहरण के तौर पर ले, जब हम मंदिर में प्रवेश करते हैं तो एक गुफा या गर्भगृह होता है जहाँ पर शिव जी की शिवलिंग होती है, फॉर एग्जाम्पल, ऐसे काफी देवता है, ठीक है। तो वहां पर ये सबसे पवित्र स्थान माना जाता है। वैसे ही हर्मिका में था, क्योंकि उनके शारीरिक अवशेषों को बुद्ध के वहां रखा जाता था, उसी प्रकार से मंदिर में गर्भगृह उतना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। द्रविड़ शैली में ये आयताकार होते थे, जबकि नागर शैली में ये वर्गाकार बने होते थे। ये कुछ विशेषताएं हैं, जब हम इनको स्पेसिफाई करेंगे, जब हम नागर शैली द्रविड़ शैली को अलग अलग पढ़ेंगे, अभी हम यहाँ पर सबको साथ लेके चल रहे हैं, क्योंकि अभी हम अंग समझ रहे हैं, पार्ट समझ रहे हैं, ठीक है। अधिष्ठान बच्चों क्या होता, तो ये चबूतरे नुमा एक संरचना होती थी, जिसको मंच या अधिष्ठान नहीं, ऊंचा उठा हुआ ऐसे सीढ़ी नुमा होता है, तब हम मंदिर में जाते हैं, तो ये अधिष्ठान होता है, चबूतरा या फिर मंच कह सकते हैं। तो इसका निर्माण कराया जाता था। नागर शैली में अधिष्ठान एक आवश्यक तत्व होता है। नागर शैली में जब आप देखेंगे तो इस तरह का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, जबकि द्रविड़ शैली यानी कि साउथ में जब हम मंदिर देखेंगे तो वहां पर आपको ये इस चीज की अनिवार्यता नहीं मिलेगी, ठीक है। तो वहां पर ऐसा नहीं आपको देखने को मिलेगा। शिखर, अब शिखर हमने देखा था इस तरह से, आप देखेंगे कि गर्भगृह के ऊपर, हमेशा शिखर गर्भगृह के ऊपर ही होता है, ध्यान रखिएगा। इससे पता चलता है कि गर्भगृह वहां पर मेन देवता विराजमान है, ठीक है, विद्यमान है। तो इसके ऊपर ही आप देखेंगे ये शिखर आपको देखने को मिलता है, अलग अलग शैलियों में अलग अलग तरीके से देखने को मिलता है। तो इसमें नागर शैली में शिखर में रेखीय होते हैं, ठीक है, नागर शैली के जो शिखर होते हैं वो रेखीय होते हैं, और शीर्ष पर आमलक की संरचना होती है, तो यहाँ पर एक कलश के समान एक चीज होती है, तो ये आमलक बोलते हैं, ये नागर शैली में है। अभी आप नागर शैली और द्रविड़ शैली भूल जाइए, अभी बस अंग समझिए, ठीक है, अभी जो शब्द है उनको तोड़ते हैं, समझते हैं, क्लियर है यहाँ तक। अब देखते हैं इसमें कि जैसे यहाँ पर ये हो गया, शीर्ष पर आमलक की संरचना होती है, जबकि द्रविड़ शैली में शिखर जो है पिरामिड के आकार के होते हैं, तो शिखर उसमें पिरामिड के आकार के होते हैं और शीर्ष पर छत्रिका की संरचना होती है। यहाँ पर आप देखेंगे नागर शैली में, अगर हम देखेंगे तो नागर शैली में आपको जो शिखर है, ये मंदिर के ऊपर का जो हिस्सा है, शिखर है, उसके ऊपर आपको आमलक देखने को मिलता है, वो आमलक की संरचना, वो कलश के समान की कह सकते हैं। और द्रविड़ शैली में शिखर जो है आपको पिरामिड नुमा मिलते हैं, ठीक है, तो पिरामिड आकार के होते हैं, शीर्ष पर छत्रिका होती है। जब हम आगे पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा, अभी सिर्फ शब्द समझिए, शिखर क्या होता है, अधिष्ठान क्या होता है, गर्भगृह क्या होता है, चबूतरा क्या होता है। आइए अब हम मंडप को समझते हैं। तो मंडप में अगर हम पहले यहाँ मंडप को देख लेते हैं, इसके बाद हम चीजें देखेंगे।
मंडप क्या होता है, ये मंदिर का प्रवेश स्थान होता है। यहाँ देखिए मंदिर का प्रवेश स्थान, याद है जहां पर हॉल होते हैं, सभा भवन होते हैं, जहां पर बैठ के कीर्तन होता है, संकीर्तन होता है, ध्यान होता है, वहां पर लोग वेट करते हैं अपनी बारी आने का गर्भगृह में जाने के लिए। तो ये मंडप होता है बच्चों यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर ये वेटिंग एरिया हम कह सकते हैं मंदिर में जाने के लिए। तो ये मंडप होता है आपका, और इसमें कह रहे हैं कि मंडप प्रवेश स्थान होता है, ये कोई द्वार मंडप या सभा भवन हो सकता है। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं को स्थान देने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, जैसा कि अभी मैंने एक्सप्लेन किया। अब देखिए गोपुरम, गोपुरम क्या होता है, देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, ये मंदिर का प्रवेश द्वार होता है और स्पेसिफिकली द्रविड़ शैली का अंग है, ये अत्यंत विशाल और अलंकृत होता है। गोपुरम, गोपुरम मेन गेट होते हैं, कुछ इस तरह से आपको गोपुरम देखने को मिलेंगे, बहुत भव्य होते हैं, ठीक है। जब आप नीचे बृहदेश्वर मंदिर इन सबके जो मंदिर वगैरह देखेंगे ना, तो आप देखेंगे उनकी भव्यता बहुत कुछ दर्शाती है। आइए समझते हैं, तो द्रविड़ शैली का अंग है और अत्यंत विशाल और अलंकृत होता है, बहुत सारे इसमें मूर्ति, उनके चित्रकारी, वहां की चीजों को झलकाया जाता है, ठीक है। गोपुरम की ये विशालता वास्तविकता, तात्कालिक आर्थिक और राजनीतिक समृद्धि को दर्शाता है। मैं बताती थी ना कि अगर जिसने सारे लेक्चर्स देखे, तो मंदिर स्थापत्य में जब हम आएंगे तो देखेंगे कि उनके जो गोपुरम मेन गेट होते थे, स्पेशली द्रविड़ शैली, साउथ की बात कर रही हूं मैं, ठीक है। साउथ में आप देखेंगे जब यहाँ पर मंदिर देखने को मिलते हैं आपको, माफी चाहती हूँ मैं बहुत अच्छा मैप नहीं बना पा रही हूँ, ये मत कहिएगा कि मैम बहुत खराब है, अभी जैसा है एडजस्ट कर लीजिए, आप अच्छा बनाने की कोशिश करिएगा, ठीक है। तो ये इनके जो साउथ के मंदिर को, जिनको हम कहते हैं कि द्रविड़ शैली है, ठीक है, द्रविड़ शैली के जितने भी प्रूफ है वो आपको यहाँ देखने को मिलते हैं। तो उनमें जो गोपुरम होता था ना, मेन गेट आप देखेंगे भव्य, बहुत भव्य होता था। तो उसके ऊपर कह रहे हैं कि वहां की जो रियलिटी है, वहां का जो रहन सहन है, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक परिस्थितियों को वहां पर दर्शाया जाता था। आर्ट एंड कल्चर क्या है, प्राचीन समय की जो चीजें थी, जो कार्यकलाप थे, जो समसामयिक की चीजें चल रही थी, ठीक है, उनको वहां पर दर्शाया जाता था। जैसे हमने देखा था स्तूप पढ़ रहे थे, ठीक है, तो देखा था ना कैसे उनके जातक कथाओं को बुद्ध की दर्शाया गया था, और बुद्ध के शिष्यों के बारे में वहां पर दर्शाया गया था। वैसे यहाँ पर गोपुरम जब आप देखेंगे साउथ में, तो यहाँ पर राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक परिस्थितियों को कहानी नुमा पिक्चर्स के थ्रू, मूर्तियों के थ्रू दर्शाया जाता है, ठीक है। अब इसके बाद हम कहते हैं वाहन, वाहन आप देखेंगे बच्चों तो क्या होता है, यहाँ पर देखेंगे जैसे शिवलिंग के सामने आप नंदी की फोटो देखते हैं, वैसे ही होता है कि मंदिर में एक वाहन होता है, तो ये मुख्य देवता का वाहन होता है, ये गर्भगृह के ठीक सामने, ठीक है, ये गर्भगृह के आपके ठीक सामने स्थापित होता है, क्लियर है। ऐसे देखिए शिखर, ये साउथ के जो अगर द्रविड़ शैली के मंदिर है, देखिए किस तरह से बने होते हैं, ये यहाँ का विमान ऐसा होता है, ठीक है, और ये हवा, वो सभा भवन होता है, हॉल होता है, क्लियर है। अब परकोटा और दीवार क्या होता है, तो द्रविड़ शैली में आपको ये नागर शैली या वेसर शैली में नहीं ज्यादा देखने को मिलेगा, आपको द्रविड़ शैली में स्पेसिफिकली गोपुरम बनाए जाने का एक बड़ा कारण मंदिरों का दीवारों से घिरा होना था। नागर शैली के मंदिरों में प्रायः ये नहीं पाए जाते हैं, अब कुछ मतलब कि कुछ एक्सेप्शंस है तो अलग बात है, अदरवाइज नहीं पाया जाता। तो द्रविड़ शैली में दीवार और परकोटा, अब ये क्या होता है, देखिए गोपुरम वगैरह ये बनाए जाते थे ना, इतने विशाल मंदिर ऐसे बड़े से बड़े एरिया में आप देखेंगे द्रविड़ शैली में ऐसे बनाया जाता था, यहाँ पर बड़े बड़े गोपुरम होते थे, क्यों, यहाँ पर व्यापार भी होता था अंदर। आज भी कुछ मंदिर ऐसे हैं, कई मंदिर हैं कि जिसमें अंदर व्यापार भी होता है चीजों का, ठीक है, तब उस तरह से व्यापार के मद्देनजर रखते उनको सुरक्षित बनाया जाता था, तो बड़े बड़े दीवारें भी उठाई जाती थी, गूगल पे सर्च करिएगा मिलेगा आपको, ठीक है। तो ये सारी चीजें, क्या आपको अब चीजें समझ आ गई, गर्भगृह क्या होता है, ठीक है, इसके बाद मंडप क्या होता है, गोपुरम क्या होता है, शिखर क्या होता है। तो गर्भगृह ये पवित्र स्थान माना जाता है, महामंडप यहाँ पर बैठने के लिए सभा भवन होते हैं, ठीक है, ये ध्वज स्तंभ है यहाँ पर साउथ के मंदिर में आपको मिलेगा, ठीक है, और ये सारी चीजें, परकोटा क्या होता है, ये सब क्लियर हो गया है। आइए अब समझते हैं, सारी कहानी समझ ली भाई, अब हमने अंगों को समझ लिया, चलिए अब हम खुद को समझते हैं, यानी कि अलग अलग शैलियों को समझते हैं, अलग अलग व्यक्तियों के नेचर को, जैसे हम समझेंगे हमने शारीरिक अंग समझ लिए, अब हम समझते हैं हर व्यक्ति का अपना एक नेचर होगा, हर व्यक्ति में सारे अंग होंगे पर उनका कार्यकलाप अलग होगा, उनका नेचर अलग होगा, उनका विकास क्रम अलग होगा, तो वो सारी चीजों को अब हम मंदिर की शैलियों में समझेंगे। देखिए मंदिर स्थापत्य की मुख्यतः तीन शैलियां हैं, जिसमें हम पढ़ते हैं नागर शैली, जिसमें आपको इस प्रकार से नॉट एग्जैक्टली बट एक सैंपल के तौर पर लगभग आपको ऐसे मंदिर देखने को मिल जाते हैं, ठीक है, नागर शैली, फिर आपको साउथ में देखने को मिलेगा द्रविड़ शैली, अभी मैं इसको एक्सप्लेन करूंगी मैप पर, ठीक है।
इसके बाद आपको बेसर शैली, ठीक है, नागर शैली अलग तरीके से मंदिर का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, द्रविड़ शैली का अलग देखने को मिलेगा, और बेसर शैली पे जब हम आएंगे तो यहाँ पर इन दोनों का मिश्रण मिलेगा, तो इन दोनों को जोड़कर आपका क्या बन जाएगा, बेसर शैली। तो जब बेसर शैली के मंदिर हम देखेंगे ना, तो दोनों के जो है कुछ कुछ रिफ्लेक्शन, कहते हैं ये माता पिता है और इनका रिफ्लेक्शन अपने बच्चों में देखने को मिलेगा। क्लियर है, ऐसे ही समझना है। आइए चलिए, आप यहाँ पर देखिए, ये नहीं कि एग्जैक्टली ऐसे ही होंगे, अलग अलग ढंग से बने होंगे, लेकिन वो भिन्नता आपको शैली की वो दर्शाने को मिल जाएगी, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर आते हैं, मेन चीज क्या है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये आपका मैप है। अब मैं यहाँ पर बताऊंगी कि नागर शैली कहाँ से कहाँ तक आपको, शैली के बने हुए बेस्ड पे मंदिर कहाँ से कहाँ तक देखने को मिलेंगे, वेसर शैली के कहाँ से मिलेंगे, द्रविड़ शैली के कहाँ से मिलेंगे, आइए उनको समझते हैं। इस पर आते हैं, मंदिर निर्माण शैली का अब हम कंपैरेटिवली अध्ययन कर लेते हैं, क्लियर है। तो यहाँ पर पहले देखिए नागर शैली, ये देखिए नागर शैली, बेसर शैली और द्रविड़ शैली। तो सबसे पहले नागर शैली के विस्तार पे आते हैं कि इनका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, इस शैली पर बेस्ड कहाँ से कहाँ तक मंदिर बने हुए हैं। तो उत्तर भारत की शैली हिमालय से लेकर विंध्य पर्वत के पहले तक ये जो है मंदिर बने हुए, तो यहाँ से आप देखेंगे आपको इस तरह से देखने को मिल जाएगा। ये इतना लगभग, मतलब देखिए एग्जैक्टली नहीं है, मैप है, थोड़ा सा ड्रॉ कर रही हूँ मैं, ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन लगभग लगभग इस तरह से इसका लोकेशन इस तरह से याद रखिएगा। उत्तर भारत की शैली हिमालय से लेकर विंध्य पर्वत के पहले तक ये जो है मंदिर आपको यहाँ पर किसके, नागर शैली के मंदिर, ठीक है, ऐसे याद करिएगा। चाहे तो आप अपने आप से मैप अपने हाथ से बनाइएगा तो और मजेदार बनेगा, ठीक है। और मैप बना के उसमें मैं तो क्या करती हूँ कि अपने, जब मैं जैसे स्टडी करती थी अपने टाइम पे, तो मैं क्या करती थी, मैप बनाकर पूरा इंडिया का उसमें डिवाइड कर लेती कि अच्छा ये एरिया नागर शैली का था, ये एरिया वेसर शैली का था, दिख रहा है ना यहाँ पर, और ये एरिया द्रविड़ शैली का था, और उनको यहाँ पर एक्सप्लेन करती थी कुछ कुछ लाइन बनाकर, क्योंकि पीटी में ऐसे ही रिविजन पॉसिबल हो पाएगा, ठीक है। ये नागर शैली के कुछ मंदिर यहाँ पर आपको इस तरह से इस एरिया में देखने को मिल जाते हैं। बात करते हैं बेसर शैली की, ठीक है, तो बेसर शैली कहाँ से कहाँ तक विस्तारित है, तो विंध्य पर्वत से कृष्णा नदी के क्षेत्र तक विस्तारित है। तो विंध्य पर्वत से कृष्णा नदी के क्षेत्र तक ये मंदिर सारे आपके यहाँ पर विस्तारित है। तो यहाँ पर कौन सी शैली के मंदिर निर्मित किए गए हैं, बेसर शैली बेस्ड है, ठीक है। बेसर शैली के मंदिरों का संरचना अलग होगी और उनकी अलग हो, इसमें दोनों का मिश्रण हो जाता है, नागर शैली और द्रविड़ शैली। अब बचे हुए हिस्से में, बच्चों बचे हुए हिस्से में अब यहाँ देखिए द्रविड़ शैली, साउथ में जब हम जाते हैं तो कृष्णा नदी से कन्याकुमारी के क्षेत्र तक द्रविड़ शैली के मंदिर देखने को मिलते हैं। जैसे यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए जरा, यहाँ पर आपको सारे किस चीज के, द्रविड़ शैली के, ठीक है, द्रविड़ शैली के मंदिर के साक्ष्य आपको देखने को मिलते हैं। अलग अलग स्ट्रक्चर थे, जैसे कि मैंने उदाहरण के तौर पर यहाँ समझाया था, तो ये अलग अलग एरियाज में, ये आपको वहां पर ऊपर के एरिया में मिल जाते हैं, ये बेसर शैली आपको बीच के एरिया में, वही दिखाया था ना कि वहां पर जो नदी थी कृष्णा नदी तक आपको देखने को मिलता था, द्रविड़ शैली ये नीचे को मिलते हैं, ठीक है। अब ये क्लियर हो गया, ऐसे ही आपको मैप बनाते हुए और इस तरह से यहाँ पर चीजों को एक्सप्लेन करना होगा ताकि क्लियर हो जाए इसमें, ठीक है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नागर शैली की समयावधि कब से कब तक के समय काल में इनके मंदिरों को जो है बनवाया गया था, तो 7वीं से 13वीं शताब्दी तक। इसके बाद बेसर शैली 8वीं से 14वीं शताब्दी तक और द्रविड़ शैली 7वीं से 18वीं शताब्दी शैली का विकास किया गया। अब नागर शैली के संरक्षण की बात करें, इस शैली में जो बने बेस्ड मंदिर थे वो किस शासक के अंतर्गत इनको बनवाया गया, किसने इनको संरक्षण दिया, ठीक है, तो पाल, सेन, सोम, गैंग, चेदी, गंग, गढ़वाल, प्रतिहार वंश द्वारा सुरक्षित किया गया। इसको पढ़ लीजिएगा, एक दो बार पूछ लेते हैं तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। बेसर शैली और मेंस में भी आपको काम आएगा। बेसर शैली में राष्ट्रकूट, चालुक्य, काकतीय, होयसल, यादव वंश द्वारा इनको संरक्षण दिया गया। किसको, बेसर शैली के मंदिरों को हमने देखा था कहाँ से कहाँ तक है। फिर द्रविड़ शैली में पल्लव, चोल, पांड्य, विजयनगर, नायक वंश द्वारा संरक्षण दिया गया था। किसको, द्रविड़ शैली के मंदिरों को। तो क्या आप मेरी बात बच्चों समझ पा रहे हैं कि हमने क्या पढ़ना है अब आगे, अब आगे के लेक्चर्स हर लेक्चर में अलग अलग पढ़ेंगे। पहले हम नागर शैली को अच्छे से कवर करेंगे, नागर शैली की उप शैलियों को भी हम कवर करेंगे, उस एरिया में और कौन कौन से मंदिर थे उस तरह से हम चीजों को देखेंगे, फिर बेसर शैली का लेक्चर लाएंगे, फिर द्रविड़ शैली का लेंगे, और ये एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ना जो अभी बच्चे पेपर दे रहे हैं उनके लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जो फ्यूचर में देने वाले हैं, और ये मेंस और पीटी दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो स्किप नहीं करना और कर भी नहीं सकते आप स्किप इसको, क्योंकि स्किप करेंगे तो अपना ही लॉस आप कर देंगे। आगे बढ़ते हैं,
यहाँ पर आते हैं कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के साथ, जैसा कि मैं बताती हूँ पीटी के। तो भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में ध्यान दीजिए, पंचायतन शब्द, अब जिसने पूरा लेक्चर देखा है वो समझ गया होगा पंचायतन शब्द जो है किससे निर्दिष्ट है। अब मैं आपको ले चलूं क्या वहां पर, या आपको याद आ रहा है? चलिए कोई बात नहीं, कुछ बच्चों ने बहुत ज्यादा फॉरवर्ड कर दिया होगा और ये स्किप कर दिया गया होगा, ठीक है। तो ये याद है आपको पंचायतन शैली, इस पर क्वेश्चन पूछा गया है, इसीलिए मैं कह रही हूँ ध्यान दीजिए। जहां पर मुख्य देवता बीच में होते हैं, गौड़ देवता अलग अलग होते हैं, जबकि मुख्य देवता की मूर्ति बीच में होती है। तो पंचायतन शैली किससे संबंधित है बताइए जरा फटाफट, किससे संबंधित है पंचायतन शैली ये? क्योंकि अब वहां पर स्टेटमेंट्स इस तरह से ही पूछेंगे आपको, अलग अलग स्टेटमेंट्स होंगे कि ग्राम के बुजुर्गों की सभा से संबंधित है, धार्मिक संप्रदाय से संबंधित है, प्रशासनिक अधिकारी से संबंधित है, या फिर मंदिर संरचना शैली। तो पंचायतन शैली किससे संबंधित है, ये जो शब्द है वो किससे संबंधित है? तो मंदिर संरचना शैली से संबंधित है, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखना है, तो ये मंदिर संरचना शैली से संबंधित है, तो ऑप्शन सी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, ये स्पष्ट है। चलिए अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। दूसरा प्रश्न क्या, ये देखिए कौन सी ईयर का प्रश्न था आपका, ये था आपका 2014 यूपीएससी ने पूछा था। तो प्रश्न इस तरह से लगातार पूछे जाते रहे, पीसीएस में भी पूछे जाते रहे, ठीक है। इसके बाद आप देखते हैं नागर, द्रविड़ और बेसर, ये तीन शैलियां हैं। आइए समझते हैं क्या है। यूपीएससी 2012 में पूछा था कि भारतीय उपमहाद्वीप के तीन मुख्य जातीय समूह हैं, तो क्या ये अभी हमने पढ़ा ये जातीय समूह है बच्चों, है ना, इतना कॉमन सेंस हम लगा सकते हैं। तीन मुख्य भाषा वर्ग जिसमें भारत की भाषाओं को विविध किया जा सकता है, बिल्कुल गलत। भारत में प्रचलित तीन मुख्य संगीत घराने हैं, माना भाई हमने अभी संगीत नहीं पढ़ा, लेकिन हमने क्या मंदिर की स्थापत्य की तो बात कर दी है ना, तो क्या ये प्रचलित संगीत घराने हैं? बिल्कुल भी नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, भारतीय मंदिर वास्तु की तीन मुख्य शैलियां हैं ये, नागर, द्रविड़ और बेसर शैली, क्लियर है। तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। मेंस में भी इससे कई क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा इस तरह से प्रश्न पूछा जाएगा, और इससे कठिन भी हो सकते हैं बहुत सी चीजें। आगे जब हम जागर और द्रविड़ और बेसर शैली को जब पढ़ेंगे तो वहां पर आपको जो है प्रश्नों के जो है पैटर्न, या फिर कह सकते हैं कि वो देखने को मिलेगा, मतलब प्रगति कैसी होती है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर ये बैच 4 आपका स्टार्ट हो रहा है, एडमिशन ले लीजिए अगर यहाँ पर अभी तक नहीं लिया है। 22 अप्रैल से शुरू हो रहा है, एक और मौका है, तो मौका गवाइए नहीं, अच्छा मौका है, अच्छे टीचर्स के साथ रूबरू होने का मिलेगा, और इतनी कम फीस में कहाँ पर ही एडमिशन होता है। तो आप मेरा कोड SV लाइव कोड इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके बाद आपको ये जो है 18,999 का प्राप्त हो जाएगा, और डेली शाम को 6 बजे लाइव क्लासेस होंगी, तो डायरेक्ट टीचर से अपने घर बैठे आप बातचीत कर सकते हैं, अपने प्रश्न पूछ सकते हैं, ठीक है। और सारी फैकल्टी बहुत उम्दा है, तो उनका सहयोग लीजिए, हमें भी अच्छा लगेगा, आपकी सक्सेस में थोड़ा भी हमारा अगर योगदान रहता है तो, ठीक है। और यहाँ पर ये StudyIQ की साइट्स हैं, वेबसाइट्स हैं, उनको आप फॉलो कर सकते हैं। अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें, और क्या कहते हैं, सारे लेक्चर्स आप आई होप देख रहे होंगे सही से, और फ्राइडे वाला जो लेक्चर आता है उसमें अब एक और सरप्राइज है आप सबके लिए, कोई नया टॉपिक आ रहा है, क्योंकि शास्त्रीय नृत्य को हमने कंप्लीट कर लिया है। तो जो लोग यहाँ तक आए हैं और सुन रहे हैं उनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ध्यान रखें, निरंतर पढ़ते रहें, नोट्स बनाते रहें। मेरे टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है शिल्पी वर्मा 22, वहां पर जाके आपको PDF मिल जाएंगे, कोई चीज पूछनी है तो उसी में ग्रुप डिस्कशन का लिंक है, उसको क्लिक करके वो ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी इंस्टाग्राम फेसबुक तो है ही, बाकी ये सब अभी भूलिए। फिलहाल अपना ध्यान रखें, पढ़ते रहें, अपनों का ध्यान रखें, अपने पेरेंट्स का ध्यान रखें, और नोट्स बनाते रहें, ठीक है। आज का लेक्चर आई होप आपको समझ आया होगा, जल्द मिलते हैं एक और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें StudyIQ IAS हिंदी।